वेल सो वो गाइज वेलकम लॉग्स बैक हियर एंड भाई वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी हो चुका है टाइम 12:01 और ये वाला जो फोन है मेरे को चेंज करना है मेरा फ्लिप अप बिकॉज इसकी जो स्टोरेज वो लगभग 128 GB है और लगभग आपको उसमें मिलती है 111 GB के अराउंड एंड जो फोन है वो हो चुका है फुल 108 GB। तो भाई फोन तो पूरा फुल है और धीरे धीरे करके भी जो फोन है वो हो जाएगा शुरू होना स्लो, तो मेरे को भी चेंज करना पड़ेगा एंड आई विल गेट द फोल्ड 3। तो मेरे को भी निकालनी है आर8 बिकॉज मेरे को भी जाना है वर्कशॉप पे, कुछ मेरे को लेना है एस्टिमेट वगैरह एंड ऑल्सो आई एम प्लानिंग टू रिमूव माई कार्स रैप। तो चलते हैं अपने आशीष ब्लॉग को स्टार्ट, सो लेट्स गो। वेल सो व्हिच गाइस हैव बीन ब्लॉग्स बैक हियर। और मम्मा कैसे हो? बस ठीक हूं। कहां जा रहे हो? स्कूल। पढ़ाई करने? हाँ, कौन सी क्लास में हो? केजी में। इधर मत स्टार्ट। मैं अंकल को रेडी होने करने के लिए बोल दिया, अंकल ने पहले अपनी पैंट ऊपर कर ली। ओ भाई ठंडा ना हो जाए। करो अंकल आज। ओ मिल गया। हाँ जी मम्मा को जाना है अभी स्कूल, तो अंकल जी मम्मा को ड्रॉप करके आ रहे जल्दी जल्दी। ये ट्रैफिक इतना ज़्यादा है ना, अगर अंकल अब आजकल पता क्या सीन है कि अगर आपको निकलना है ना अपने घर से, अगर जाना है आपको सपोज पहुँचना है 12:30 बजे, तो आप अपने घर से निकलो 11:30 बजे, आधा घंटा पहले पहुँच जाओ, बट ये होगा कि अंकल पहले पहुँच जाओ। सही बात। और मैंने वैसे जो अपॉइंटमेंट है वो बुक रखी गो मकैनिक की एप्लीकेशन से, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आराम से हो जाएगी अपनी। और बड़ा कन्वीनियंट था बुक करना गो मकैनिक से। तो अब लेट्स सी हाउ मच टाइम डज इट टेक। अभी मैं आ चुका हूँ वर्कशॉप के अंदर और यहाँ पे पूरा करवाते हैं गाड़ी के इंस्पेक्शन पूरा, कि यहाँ पे क्या क्या करते हैं एंड लेट्स सी कि कब तक हमको गाड़ी वापस मिलती है। सो भाई आई एम हेयर एट द वर्कशॉप और यहाँ पे मेरे को मिले आशीष भाई जो कि अभी करने वाले हैं मेरी पूरी अभी कार की इंस्पेक्शन। तो अभी ये पूरा जॉब कार्ड है? हाँ जी, ये मैनुअल जॉब कार्ड होगा, इसमें हम कार की पूरी डिटेल्स फिल करेंगे, कार में इन्वेंट्री क्या है, कार में पेट्रोल कितना है, कितने किलोमीटर चली हुई है, सारी चीज़ें इसमें हम फील करेंगे। ओके। कार एक बार इंस्पेक्ट करेंगे पहले, कार में क्या काम रिक्वायर्ड है, उसके बाद फिर मैं आपको टायर्स का था एक ब्रेक पैच चेक कर दीजिए वो गाड़ी के, उसमें थोड़ा गाड़ी की ब्रेकिंग है वो लूज़ हो रही है। और इसके अलावा मेरे को रैप को बताओ, मेरे को गाड़ी का रैप रिमूव करने का मन है, तो ये रैप जो रिमूव है तो ये कर देते हैं पूरा? हाँ हाँ बिल्कुल, सारी चीज़ें होंगी और एक बार टायर्स वगैरह जो भी आप बता रहे हो वो खोल के ब्रेक्स वगैरह चेक कर लेंगे और रैपिंग का जो भी होगा तो वो चीज़ मैं आपको एक बार डायग्नोज करके डिस्कस कर लेते हैं। मेरे अंकल पापा को पता नहीं कि गाड़ी का रैप रिमूव करवा रहे हैं, पापा से क्या पूछ रहे हो कि गाड़ी का रैप रिमूव करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए। सबसे मेन जो प्रॉब्लम है आर8 की वो यही है कि गाड़ी बहुत ज़्यादा लोअर्ड है, इस चक्कर में इनके पास तो लिफ्ट तो है बट इसको पूरा नीचे करना पड़ रहा है, तब जाके हो जाएगी ना लिफ्ट तो आराम से। हाँ जी ठीक। अब गाड़ी लिफ्ट कर रहे हैं, खोल रहे हैं गाड़ी के टायर्स, अब ये पूरा कर रहे हैं गाड़ी का इंस्पेक्शन नीचे से। और आप देखो गाड़ी पूरी नीचे से बंद है ड्यू टू एरोडायनेमिक्स। और जो गो मैकेनिक है ना, ये एक्चुअली पूरी ऑल इन वन प्लेस है, आपकी कोई भी गाड़ी की दिक्कत होगी यहाँ पे कर देते हैं वो सॉल्व। ऊपर से आपकी जितने हर गाड़ी के पार्ट्स होते हैं सारे लगाते हैं OEM ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। एंड भाई हैशटैग कार वाली दिवाली तो अपने गो मैकेनिक का है ही, जिससे आप बताते हो 40% तक अपना अमाउंट सेव, कैसे बताओ अंकल जी? तो ऐसा होता है ना बीच में बंदे जो है जब कमीशन लेते हैं, हाँ मीडिएटर्स हो जाते हैं। अब सपोज अगर आप इसे खरीदते हो पार्ट्स तो बीच में होते हैं हर मीडिएटर्स वगैरह, तो वो अपने क्या करते हैं अपने थोड़े बीच में कमीशन वगैरह जोड़ते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं विद गो मैकेनिक, आपको जो पार्ट्स डायरेक्टली आएंगे कंपनी से एंड यू कैन सेव टू 40% ऑफ योर अमाउंट, तो ये बहुत ज़्यादा सही है। तो हो चुका पूरे गाड़ी का इंस्पेक्शन डन, तो आपको क्या मिला इंस्पेक्शन के अंदर? सर अभी गाड़ी हमने नीचे चेक करी है, अभी चारों टायर इसके खोलेंगे, ब्रेक शूज के ब्रेक पैड वगैरह चेक करेंगे इसके गाड़ी के। ठीक है हाँ ठीक है, मतलब चारों के टायर अभी ओपन हो गए, चारों टायर ओपन। ठीक है कर लीजिए आप आराम से। सो हेयर वी हैव द टायर आउट एंड अब यहाँ पे चेक करेंगे भैया जी ब्रेक पैच गाड़ी के। भैया कितने बड़े ब्रेक पैच हमारे, कितने चल जाएंगे आपके? 1500-2000 किलोमीटर और चल जाएंगे। अच्छा, और नॉर्मल गाड़ी कितने तक चल जाती है? नॉर्मल गाड़ी नॉर्मल गाड़ियों के क्या नाम है 10,000 तक चल जाते हैं बस। हाँ क्योंकि सुपर कार है, इनके नहीं चल पाते इतने। अभी पीछे देख लेते हैं, अंकल मेरे को ना दुख सी हो रही है कि मतलब ना हो जाए क्योंकि उसके ब्रेक पैड भी महंगे आते होंगे। बताइए भैया अभी इसके ब्रेक पैड पीछे के हैं जो कि 2000 चलेंगे चलेंगे 2000। हाँ 2000 का अभी चेंज नहीं कराने, नहीं मतलब पैसे बच गए मेरे। हाँ अरे यार जी हाँ भाई सही हो गया, मेरे को डर लग रहा था जब से मैं स्टार्टिंग में आया था ना कि भाई खर्चा आएगा खर्चा आएगा खर्चा आएगा, दुख का नहीं खत्म होता भाई।
अब टायर्स दोबारा गाड़ी के अंदर फिट हो रहे हैं। मेरा भाई मेन तो यही था कि एक तो गाड़ी के देखने थे ब्रेक पैड्स, टायर्स देखने थे, और एक मेरे को ना गाड़ी का रैप रिमूव करवाना है। तो उसका ये एक्चुअली कह रहे हैं कि इनके पास सामान वगैरह पूरा है, तो एक बार उनसे बात बात तो कर लेते सामान ये पूरा है। टायर्स का हो चुका है पूरा अपना सीन डन, अब देखेंगे सर रैप का। बाकी यहाँ पे और भी गाड़ियाँ अभी हो रही हैं। बाकी वहाँ पे लिखा हुआ है लाइव ऑर्डर ट्रैकिंग, इसका मतलब क्या है? सपोज इफ़ यू ऑर्डर पार्ट्स विद गो मैकेनिक, तो दे विल टेल यू एक्जैक्टली वो पार्ट्स कहाँ पर हैं, गाड़ियाँ पार्ट्स इंस्टॉल हो गए हैं, लेकिन आपको हर चीज़ देते हैं गाड़ी का, आपको अपडेट की एक्जैक्टली आपकी गाड़ी सर्विस हो चुकी है, आपको गाड़ी कब मिलेगी, ये पूरा यहाँ पे करते हैं। अब यहाँ पे गो मैकेनिक का एक और एडवांटेज है कि हर जगह आपको मिलता है एक प्राइस में यूनिफॉर्मिटी। इसका मतलब क्या है कि एग्जाम्पल आप किसी भी चले तो गो मैकेनिक की वर्कशॉप के अंदर आपको जो प्राइसिंग मिलेगी हर जगह सेम ही मिलेगी, ये नहीं कि वहाँ पे अलग जा रही है यहाँ पे अलग जा रही है, सब जगह आपको मिलेगी प्राइसिंग सब जगह सेम। बढ़िया है ना ये? हाँ ये तो अंकल सपोज अगर कराते गाड़ी को वैसे नहीं और सकते तो आपको बोलते हैं 1000 रुपये, तो उसका बंदा बोलते 2000 रुपये। यहाँ पे आपको हर जगह 1000 रुपये, तो 1000 रुपये ही होगा हर वर्कशॉप के अंदर गो मैकेनिक की। तो मेरे यहाँ पे थे एक्चुअली दो इशूज, एक तो था मेरा ब्रेक पैड का जो कि हो चुका है सॉल्व, दूसरा था कि मेरे को गाड़ी का मेरा रैप रिमूव करवाना है, तो वो रैप यहाँ पे हो जाएगा रिमूव हो जाएगा, क्या नाम उसमें सर अपनी गाड़ी छोड़नी पड़ेगी ये यहाँ पे दिक्कत है, बिकॉज मेरे को अभी जाना है अपने काम से, बट छोड़नी और मतलब पूरा ये तो नहीं है कि पेंट गाड़ी का कुछ डैमेज होगा, पेंट कुछ हमारे पास केमिकल होता है वाला, एक आम केमिकल यूज करते हैं उससे पेंट अप की गाड़ी खराब नहीं हो पाए। ओके मतलब गाड़ी जो एलईडी पहले थी वैसी की वैसी हो जाएगी, और मतलब कितनी लगेगी कि 8 मिनट लगेंगे रात में, अभी इतना टाइम तो है नहीं, बट मेरे को रैप गाड़ी का रिमूव कराना है। अब आप मेरे को बताओ वीडियो क्लिक करके कमेंट कि रैप गाड़ी का रिमूव कराया जाए या ना कराया जाए। अब ये जॉब कार्ड में यहाँ पे इन्होंने जॉब एंड कर दी है, और ये कितना एस्टीमेट आया मेरा अप्रॉक्स 15,000 का, 15,000 जिसमें इन्होंने यहाँ पे टायर एंड ब्रेक पैड चेक का इन्होंने रखा है, जो कि पूरा हुआ इंस्पेक्शन, देन यहाँ पे हुआ है रैप रिमूव, और मेरे को इन्होंने लिखे हैं चार्जेस 13,000 रुपये विद डिटेलिंग। कार पे जो भी सर्विसेज हम अवेल करते हो उस पर आपको अनकंडीशनल 2 मंथ्स की वारंटी या फिर 1,000 किलोमीटर तक की वारंटी होती है, साथ में हम आपको फ्री पिकअप एंड ड्रॉप भी प्रोवाइड करते हैं। ओके मतलब फ्री पिकअप एंड ड्रॉप। हाँ जी बिल्कुल। अगर किसी को मिलना हो ना अंकल से तो कभी यहाँ आ जाना, ये दावड़ी की रेड लाइट है यहाँ पे। क्या अंकल ये कौन सी दुकान है? रामानंद मानो यहाँ पे मिल लेना अंकल जी, यहाँ पे खड़े होंगे शाम को 8 से 9 के बीच में तो खड़े ही होंगे पक्का से। लेकिन भैया यहाँ उसे बहुत भीड़ लग जाती है। अच्छा आपको? हाँ तो किसी को मिल लो इनसे, तो यही दाबड़ी में रहते हैं, अंदर ही जाके मिल लो इनसे। फोन नंबर डाल दूँ आपका? नो आई एम बैक एट माई होम अभी, और अभी सीधा निकाल रहा हूँ मैं ये, बिकॉज अभी जाना होगा कॉफ़ी पीने के लिए, और बहुत भूख भी लग रही है बिकॉज अभी तक सुबह से कुछ भी नहीं खाया मैंने, तो ज़रा चलते हैं और कुछ खाते पीते हैं। एक तो ना भाई आजकल क्या सीन हो रहा है कि बहुत ज़्यादा कम नींद मिल रही है। सुबह कितने बजे सोया था आज? लगभग भैया 8 बजे का। और मैंने अंकल को कहा था कि अंकल तक कुछ भी हो जाए मेरे को आज लेट नहीं होना, तो मैं लगभग उठ गया था 10-10:30 बजे के अराउंड, मतलब मैं सोया 8 बजे उठ गया 10:30 बजे, और मेरे को अभी नींद इतनी ज़्यादा आ रही है ना। बट अंकल जी फिर ऐसा ही होता है कि जब काम कर रहा हूँ तो काम करते रहो, नींद फिर उड़ जाती है, उड़ जाती है। तो इसलिए अभी कुछ चाह रहे हैं कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए, बिकॉज कॉफ़ी ना मेरे को ऐसा होता है कि रोज़ मेरे को चाहिए ही चाहिए, एटलीस्ट एक बार चाहिए, मतलब 2 बार मिल जाती है मिल जाए वो कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट एक बार चाहिए, बिकॉज मेरे को ना नींद बहुत ज़्यादा कम आती है, क्योंकि मैं सोता ही बहुत ज़्यादा लेट हूँ सुबह 7-8 बजे, अगर मेरे को कुछ काम वगैरह होता है तो 12-1 बजे के करीब मैं यूजली उठ जाता हूँ, बट आज मैं उठ गया 10 बजे, और वो भी मेरे को अंकल ने कहा था कि उठ जाना, नहीं तो अंकल अगर आप ना आते मैं नहीं उठता, मुझे पता है नहीं सो रहा होता आराम से। अभी मैं आया हूँ चिकन पे, क्योंकि मैंने लिया चिकन बर्गर, और मैंने ये रात खाया दुबई के अंदर, ये बहुत ज़्यादा यमी होता है, तो अंकल भी यही खाएंगे। हाँ भाई सच में अभी ड्रॉप कर दिया अंकल को भाई, लिटरली बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ अभी ना, नींद ऐसी हो रही है कि अभी जैसे आँखों में आएगी। और अभी मम्मा के लिए मैंने लिए पहले पेस्ट्री, बिकॉज मम्मा को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अब यहाँ से सीधा चलता हूँ घर पे और ख़त्म करता हूँ भाई आज के ब्लॉग को यहीं पे ही। बहुत ज़्यादा सा टायरिंग डे, अगर आपको पसंद आया आज का पूरा ब्लॉग वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, मेरे को पहले मेरे को जल्दी से टिंक कर देना, मेरे को फॉलो करो इंस्टाग्राम आईडी पे जो कि @YPMVlogs। तो ख़त्म करता हूँ आज के ब्लॉग को यहीं पे ही, विद डैट सेट बाय एंड स्टे सेफ।